हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी काव्यखंड अध्याय एक पार्ट दो दिन जल्दी जल्दी ढलता है की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। सबसे पहले हम इन पंक्तियों का एक एक कर हिंदी अनुवाद जानेंगे, उसके बाद हम आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या के प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविवर श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने इन पंक्तियों में समय के महत्व को बताया है। वह कहते हैं कि समय हमेशा परिवर्तनशील होता है, समय बदलता रहता है। सुबह से शाम, शाम से रात और रात से सुबह होती है। वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि आप ये करोगे तो मैं रात होंगी, आप ये करोगे तो मुझे सुबह होनी है। आप कुछ भी करो या फिर नहीं करो, समय तो हमेशा बदलता रहता है। तेजी से बदलते हुए समय को देखकर रास्ते पर चलने वाला राहगीर दिन भर की थकान को भूलकर मंजिल की ओर तेजी से कदम बढ़ा देता है। वह जल्दी अंधेरा न हो जाए यह सोचकर अधिक ऊर्जा और स्फूर्ति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। उसे अंधेरा होने से पूर्व भी अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है और पथिक की इन सब बातों से बेपरवाह दिन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है, यानी समय तेजी से व्यतीत होता जाता है। तो इन पंक्तियों में कविवर हरिवंश राय बच्चन जी ने समय के महत्व को बताया है। उन्होंने बताया कि समय हमेशा परिवर्तनशील होता है, वह किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता है और समय हमेशा बदलता रहता है। तेजी से बदलते हुए समय को देखकर रास्ते पर चलने वाला जो राहगीर होता है वह दिन भर की थकान को भूल जाता है और अपनी मंजिल की ओर तेजी से कदम बढ़ा देता है। कहीं जल्दी अंधेरा न हो जाए यह सोचकर राहगीर और अधिक ऊर्जा और स्फूर्ति से मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है। उसे किसी भी हाल में अंधेरा होने से पूर्व अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है और इन सब बातों से बेपरवाह दिन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है, यानी समय तेजी से व्यतीत होता जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं संदर्भ की। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से अवतरित है। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। देखिए, प्रसंग है आपका, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने समय के परिवर्तनशीलता और उसके निरंतर चलायमान होने का वर्णन किया है। यह आपका संदर्भ होगा, यह आपका प्रसंग होगा, आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद यह आपकी व्याख्या रही, आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेने या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे पद की। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि के अनुसार कोई चिड़िया जब अपने बच्चों के लिए खाने की खोज में दूर किसी स्थान से वापस अपने बच्चों की ओर लौट रही होती है तो वह जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के पास पहुँचना चाहती है। कोई चिड़िया खाने की तलाश में दूर जाती है लेकिन बच्चों की चिंता उसे हमेशा सताती रहती है और वह वापस जल्दी से जल्दी उनके पास लौटना चाहती है। उड़ती उड़ती वह सोचती है कि किस प्रकार भूख से रोते बिलखते उसके बच्चे उसके इंतजार में घोंसलों से झांक रहे होंगे। बच्चों की व्याकुलता और माँ का प्रेम चिड़ियों के थके हारे बदन में नई ऊर्जा डाल देता है और वह थकान की परवाह किए बिना तेजी से बच्चों के पास पहुँचना चाहती हैं। और इधर चिड़िया के भावों की परवाह किए बिना, या यूं कहें कि इन सब से अनजान, दिन जल्दी जल्दी बीतता चला जाता है। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कविवर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि कोई चिड़िया जब अपने बच्चों के लिए खाने की खोज में दूर किसी स्थान से वापस बच्चों की ओर लौट रही होती है तो वह जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती है। उड़ती उड़ती वह सोचती है कि किस प्रकार भूख से बिलखते रोते उसके बच्चे उसके इंतजार में घोंसलों से झांक रहे होंगे। बच्चों की व्याकुलता और माँ का प्रेम चिड़ियों के थके हारे बदन में नई ऊर्जा डाल देता है और वह थकान की परवाह किए बिना तेजी से बच्चों के पास पहुँचना चाहती हैं। और इधर चिड़िया के भावों की परवाह किए बिना, या यूं कहें कि इन सब से अनजान, दिन अपनी रफ्तार से जल्दी निकलता जाता है। अब हम बात करते हैं संदर्भ प्रसंग और व्याख्या की। तो संदर्भ सबके लिए सेम रहेगा। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बच्चन ने पंक्षी के उसके बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण किया है। उसके बाद व्याख्या आपकी ये रही, आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। व्याख्या आपकी ये रही। अब हम बात करते हैं तीसरे पद की। तो तीसरा पद है हमारा, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता मन में भी हलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
कवीवर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि इस संसार में वह अकेले हैं। वह जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते यह सोचते हैं कि वह तो अकेले हैं, वह घर पर पहुंचे या ना पहुंचे, अर्थात मंजिल पर उनका कोई भी इंतजार नहीं कर रहा है, तो मंजिल पर जल्दी पहुंचने का उनका क्या औचित्य। भावनाओं के सागर में डूबे जीवन पथ पर आगे बढ़ते कवि के मन में अकेलापन उनके पैरों में बीड़ियां डाल देता है। वह सोचते हैं कि मंजिल पर उनका कोई इंतजार ही नहीं कर रहा है, तो मंजिल पर जल्दी पहुंचना उनका किसी भी मतलब का नहीं है। वह सोच सोच कर उनके आगे बढ़ते कदम थम जाते हैं और उनका हृदय दुखी हो जाता है। और इधर कवि के दुख दर्द की परवाह किए बिना दिन जल्दी जल्दी बीतता चला जाता है। कवीवर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि वह इस संसार में अकेले हैं और उनका मंजिल पर कोई इंतजार नहीं कर रहा है, तो मंजिल पर जल्दी पहुँचें या ना पहुँचें किसी को कोई मतलब उनसे नहीं है। यह सोच सोच कर उनके पैर थम जाते हैं और वह दुखी हो जाते हैं। और इस सब दुख दर्द को समय सोचता ही नहीं, उनके बारे में समझता ही नहीं है, और समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता चला जाता है। संदर्भ सबका सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एकांकी जीवन की कुंठा का यथार्थवादी वर्णन किया है, यानी अकेलेपन का यथार्थवादी उन्होंने वर्णन किया है। यह आपकी व्याख्या रही। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।